फाइंड सम ऑफ 22 टर्म, सम ऑफ 22 टर्म हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। यहां लिखा हुआ है टर्म, टर्म मतलब होता है एन, एन कितना देर का है 22, सेकंड टर्म इज इक्वल टू कितना देर का है 149। हमें ये वाला फाइंड करना, हमारे पास n है, हमारे पास d है, इसको देखो ध्यान देना, ये भी 22 और ये भी 22, जब दोनों सेम होना इसका मतलब ये लास्ट टर्म भी, ये 22nd टर्म है और 22nd तक हमें सम फाइंड करना है, 22nd पर ये लास्ट टर्म है ये, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, a नहीं है, तो पहले हमें a फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, यहां से फाइंड करते हैं, इसको ही लेते, बताओ a 22 का मतलब क्या होता है, प्लस 21d, और ये हमारे पास दे रखा है 149, तो यहां से पहले हम a और d जो गए हुए वो क्या करेंगे, यहां पर हम फाइंड करेंगे, पहले बताओ a कितना पता नहीं, d कितना हमने अभी फाइंड किया, d गिवन है, d कितना गिवन है 7, ये a का a, ये होता है 147 इक्वल टू 149, प्लस का उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा 149 माइनस 147, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, कल कितना आ गया आपके 2, माइनस कर देना उधर भेज कर, अब हमें ए आ चुका है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना, तो एस एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, इससे भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म भी है, मेरे पास डी भी है, तो डी वाले से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, मुझे कितने टर्म का सम फाइंड करना है 22 का, एन कितना हो गया 22, ए कितना है, ए हमने भी फाइंड किया 2, और लास्ट टर्म कितना है 149, ये तो है 2 और ये है आपके 149, 22 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 11 पे, यहां दोनों को ऐड करो कितना आता है 151, मल्टीप्लाई करना, जब भी 11 आता है ना इसका नियम है मल्टीप्लाई करने का, 11 आता है क्या करेंगे, आगे वाला नंबर आगे लिख दो, पीछे वाला नंबर, फिर इन दोनों को ऐड करो तो इधर लिखो और इन दोनों को ऐड करो तो इधर लिखो, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।